भारत में कोरोना वायरस से अब तक 350 से ज्यादा लोग पीड़ित हैं और 5 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो वहीं कोरोना वायरस को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से 31 मार्च तक लॉकडाउन का फैसला किया गया है। तो वहीं हरियाणा में भी 7 जिले लॉकडाउन किए गए हैं और साथ साथ मुंबई, राजस्थान के साथ कई जिले 31 मार्च तक के लिए लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। तो ये फैसला कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए लिया गया है। आपको बताते चले कि भारत में अब तक कोरोना की वजह से 7 मौतें हो चुकी हैं और ये आंकड़ा लगभग 400 के आसपास पहुंच चुका है। जो कोरोना पीड़ित व्यक्ति हैं उनका आंकड़ा 400 के आसपास पहुंच चुका है। भारत में आपको बता दें कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू रहा कोरोना को देखते हुए और आज भी जो बसेस सर्विसेज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, मॉल्स हैं, अभी भी उसी तरीके से बंद है। 31 मार्च तक दिल्ली में लॉकडाउन किया गया है और साथ साथ पंजाब, मुंबई जैसी जगह पर भी लॉकडाउन किया गया है। भारत में कोरोना के 395 केस आ चुके हैं और 7 लोगों की मौत हमारे भारत में अब तक हो चुकी है इस कोरोना वायरस की वजह से। और इस बढ़ती हुई बीमारी को देखते हुए ये लॉकडाउन किया गया है भारत के अंदर, जिसमें दिल्ली, मुंबई जैसी बड़े शहर जो हैं वो शामिल हैं। तो भारत में अब तक कोरोना के 395 केस आ चुके हैं और साथ साथ भारत के अंदर जो मौत का आंकड़ा है कोरोना वायरस की वजह से वो 7 हो चुका है। अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। और इसी कोरोना वायरस को देखते हुए अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 31 मार्च तक लॉकडाउन की स्थिति रखी गई है। जनता कर्फ्यू की सफलता के बाद फरीदाबाद को लॉकडाउन किया गया। फरीदाबाद की सभी सीमाएं बंद कर दी गई हैं। पुलिस ने दिल्ली बदरपुर बॉर्डर, पलवल बॉर्डर, पल्ला बॉर्डर और बांगा बॉर्डर के साथ चारों ओर नाके लगाए हुए हैं। वहीं हमारे संवाददाता गजेंद्र राजपूत ने इस पूरी स्थिति का जायजा लिया। फरीदाबाद में गत दिवस जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी देर रात से ही, और आज सुबह से ही फरीदाबाद पुलिस सभी सीमाओं पर तैनात है और पूरी तरह से सभी लोगों की जांच की जा रही है। जो लोग इमरजेंसी वाले लोग हैं उनको ही सिर्फ जाने दिया जा रहा है, बाकी सभी लोगों को साफ तौर से बड़े प्यार से मना करके उनको घर वापस भेजा जा रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है एक पुलिसकर्मी जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं इस समय में, एक तरह से आपातकाल इसको कह सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप सेवा पर खड़े हुए हैं और किस तरह से यहाँ लोगों को समझाया जा रहा है, किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा दी जा रही है? लोगों को यहाँ बाहर जाने के लिए समझाया जा रहा है और इनको बार बार हिदायत दे रहे हैं कि आप यहाँ सिर्फ दूध वाली गाड़ी, पानी, सब्जी वगैरह को ही, इमरजेंसी केस को ही अलाउड करते हैं, बाकी आप अपने घरों में जाइए। यहाँ कोरोना का प्रकोप चला हुआ है तो आप सुरक्षित रहे तो हमारे भी को भी सुरक्षित रखेंगे, अगर पब्लिक सुरक्षित है तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कई कई लोग काफ़ी नहीं मानते, उनको वापस यहाँ से यू टर्न कराया जाता है, दिल्ली में आगे नहीं जाने देते हम। तो जिस तरह से साफ तौर पर बताया है कि उन्हीं लोगों को सिर्फ जाने दिया जा रहा है जिन लोगों की इमरजेंसी कोई कार्य, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं या फिर राशन से जुड़े हुए हैं या फिर पुलिसकर्मी हैं और मीडिया कर्मी हैं, उन्हीं लोगों को सिर्फ इस सीमा से बाहर जाने दिया जा रहा है। बाकी किसी भी व्यक्ति को सीमा से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। फरीदाबाद से जनता टीवी के लिए गजेंद्र राजपूत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गजेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, और किस तरीके की स्थिति देखी जा रही है आज, क्योंकि 22 मार्च को पहले ही जनता कर्फ्यू रखा गया है, आज किस तरीके की स्थिति है यहाँ? जी बिल्कुल, बता दूं आपको कि कर्फ्यू के बाद फरीदाबाद पूरी तरह से आज के लॉकडाउन पर भी सहयोग में और समर्थन में दिखा है। सुबह से ही जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई हैं, लोग कम ही संख्या में घर से बाहर निकल रहे हैं और जो लोग निकल रहे हैं वो अपनी इमरजेंसी सेवाओं के लिए ही निकल रहे हैं, इमरजेंसी जो भी हो उनको। बाकी का यहाँ पर जब फरीदाबाद प्रशासन के जो पुख्ता इंतजाम है वो साफ तौर पर देखे गए हैं। सभी सीमाएँ यहाँ पर चाक चौबंद कर दी गई हैं, सभी सीमाओं पर नाके लगा दिए गए हैं, किसी भी बाहरी व्यक्ति की अंदर एंट्री अलाउड नहीं है, ना ही फरीदाबाद शहर से किसी को बाहर जाने दिया जा रहा है, कोई ठोस वजह के बाद ही उनको बाहर जाने दिया जा रहा है। वहीं अगर बाजार की बात करें तो बाजार में सिर्फ जो राशन से संबंधित दुकानें हैं, मेडिकल से संबंधित दुकानें हैं, बाकी का बैंक हैं, पेट्रोल पंप हैं, इन सबको छोड़कर बाकी सभी बाजार बंद हैं और पूरी तरह से यहाँ पर लॉकडाउन की पालना की जा रही है। जी
गजेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया अभी कि नाके लगाए गए हैं, किस किस जगह पर नाके लगाए गए हैं? जी, नाके की बात करें तो जो फरीदाबाद से चार सीमाएं जुड़ती हैं, जो अन्य शहरों के लिए जाती हैं, चाहे वो दिल्ली फरीदाबाद से जुड़ा हुआ है, बदरपुर बॉर्डर की बात करें या फिर पल्ला बॉर्डर की बात करें, वहीं पलवल जाने के लिए फरीदाबाद से जब निकलते हैं तो वहाँ पर गदपुरी बॉर्डर पड़ता है। रात में जब गुड़गांव के लिए निकलते हैं, सोहना गुड़गांव के लिए, तो वहाँ पर मांगड़ बॉर्डर पड़ता है। तो चारों तरफ से पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस व्यवस्था तैनात की गई है और पूरी तरह से चाक चौबंद कर दी गई, नाके लगाए हुए, किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। गजेंद्र, ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है उनका कहना है कि लोग मान नहीं रहे हैं, अभी भी कुछ लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, जिन्हें वापस भेजा जा रहा है, मना किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ऐसे कुछ लोग सामने आए हैं, क्योंकि साफ तौर पर देर रात को यह फैसला लिया गया था लॉकडाउन का और कुछ लोगों को इस बारे में जानकारी समय से नहीं मिली थी, इसलिए वो सुबह घर से निकल चुके हैं। तो उनको पुलिस ने बड़े प्यार से समझाया है, उनको बताया कि उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी एहतियातन के लिए ही यह बड़ा फैसला लिया गया, तो वो इसमें कॉपरेट करें, सहयोग करें और प्रशासन का पूरी तरह से इसमें उन्होंने साफ तौर पर प्रशासन ने अपील भी की है लोगों से, जनता टीवी के माध्यम से, कि लोग अपने घरों में ही रहें और इस धारा 144 और लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। बिल्कुल गजेंद्र, जिस तरीके से धारा 144 और लॉकडाउन की स्थिति है चारों तरफ, इस वक्त फरीदाबाद में किस तरीके का माहौल है? जी, माहौल की बात करें तो फरीदाबाद में एक सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, फरीदाबाद ओल्ड रेलवे स्टेशन, यहाँ पर हम पहुँचे तो यहाँ पर देखा गया कि भारी संख्या में यहाँ यात्री पहुँचे हुए थे, जिनको दूर दराज जाना था, चाहे वो बिहार से संबंध रखते हों या यूपी से संबंध रखते हों या पंजाब से संबंध रखते हों, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जीआरपी पुलिस पूरी तरह से तैनात थी और जीआरपी पुलिस ने उन लोगों को भी समझा कर घर वापस भेज दिया है, क्योंकि रेल विभाग ने लगभग सारी ट्रेनें रद्द कर दी हैं, सिर्फ वही ट्रेनें अभी भी रनिंग में हैं जो पिछले 2-3 दिन से चल रही हैं, पटरियों पर हैं और अपने गंतव्य तक नहीं पहुंची है। तो इस तरह से पूरे शहर के माहौल की बात करें तो पूरा शहर इस समय लॉकडाउन की पालना कर रहा है, कुछ एक व्यक्तियों को छोड़कर उन्हें भी पुलिस द्वारा समझाया जा रहा है। गजेंद्र, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि पहले स्थिति सिर्फ 22 मार्च तक के लिए था कर्फ्यू, लेकिन अब इस जो तारीख है इसको बढ़ा दिया गया है, तो इससे लोगों को किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को पता नहीं था इसके बारे में? जी, वैसे तो सरकार ने साफ तौर पर कर दिया है कि जो लोग घर से बाहर राशन लेना चाहते हैं या फिर बैंक का काम है वो करना चाहते हैं, स्वास्थ्य संबंधी जो कोई काम है वो करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई भी रोक नहीं है और वो ठोस अपनी वजह बताकर घर से बाहर जा सकते हैं और इन सभी सुविधाएं जो उनको जरूरी सुविधाएं हैं उनको वो ले सकते हैं इनसे संबंधित। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई भी 4 से 5 संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और बेवजह अगर बाहर घूमते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई करने के फरीदाबाद पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिए हैं, और यहाँ तक कि अगर कोई लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर यहाँ पर FIR दर्ज भी की जा सकती है और जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी जो कार्रवाई, वो भी उनके ऊपर की जा सकती है। चलिए गजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बन चुकी है कोरोना को लेकर, दिल्ली के साथ साथ कई राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति है। तो चलिए अब हम आपको कई शहरों की अलग अलग तस्वीरें दिखा देते हैं जहां कोरोना की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है। दिल्ली, पंजाब, मुंबई में भी लॉकडाउन किया गया है। भारत में कोरोना के 395 केस आ चुके हैं और 7 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। भारत में लॉकडाउन की स्थिति हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि लखनऊ में किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। अमूमन यहां पर काफी लोग दिख जाया करते थे और ये साथ में हम आपको दिल्ली की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो कि बिल्कुल शांत है। और हालांकि यहाँ पर कुछ लोग जॉगिंग के लिए ज़रूर आए हैं, लेकिन पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है और भारत में कोरोना की वजह से असर साफ देखा जा सकता है कि जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति हो चुकी है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और निकलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कोरोना का वायरस है वो लोगों को लगातार संक्रमित कर रहा है। भारत के अंदर 395 से ज़्यादा केस कोरोना से संक्रमित मरीजों के आ चुके हैं और मौत की बात की जाए तो मौत का आंकड़ा अब 7 हो चुका है। ये तस्वीरें फरीदाबाद की हैं जहां कई लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है कि लॉकडाउन की स्थिति हो चुकी है। 22 मार्च के बाद अब भी सड़कों पर
नहीं निकलना है, धारा 144 लगाई हुई है। तो ट्रैफिक पुलिस लोगों को समझा रही है और जानकारी दे रही है और प्यार से समझा के वापस भेज रही है। हालांकि जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है वो वजह बताकर अपने काम कर सकते हैं, रोज़ाना की ज़रूरतमंद चीज़ों के लिए बाहर जा सकते हैं। लेकिन हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज वशिष्ठ जुड़ चुके हैं। नीरज, किस तरीके का माहौल है गुरुग्राम में? बिल्कुल, जिला प्रशासन के आदेश बाद कल जिस तरह से जनता कर्फ्यू था, हालांकि वो बहुत सक्सेसफुल रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ पे आप साफ तौर से देख सकते हैं, मैं सदर बाजार इलाके में खड़ा हूँ और इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर जो किरियाना स्टोर है जिनको की परमिशन थी, जो रोजमर्रा की जरूरतें की दुकान है वो जरूर खुली है, लेकिन उसके बाद जो भी जितनी भी दुकानें आप देखेंगे दूर तक जो नजर जाएगी वहां तक जो है सन्नाटा पसरा है। हालांकि आवाजाही जरूर है, ये लोग वो हैं जो रोजमर्रा की जरूर जो चीजें हैं उनको खरीदने के लिए साइबर सिटी के सदर बाजार इलाके में पहुंचे थे। लेकिन देखिए दूसरी तरफ मैं जो आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, ये जो रोड है बिल्कुल गाड़ियों की जो है गाड़ियों से अटा पटा रहता था, गाड़ियों की लंबी कतारें इन रोडों के ऊपर देखने को मिलती थी, लेकिन अब लॉकडाउन के आदेश से हालांकि लोगों ने अपने अपने को घरों में जरूर कैद किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रोजमर्रा की तरह ही गाड़ियों की आवाजाही में जुटे हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात एक खास ये भी है कि कहीं ना कहीं ऑटो को भी जिला प्रशासन ने ये कहा था कि जो सार्वजनिक व्हीकल है या फिर जिस तरह के संसाधन है ट्रांसपोर्टेशन के वो भी सभी तरह से बंद किए जाएंगे, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की बसें तक बंद हैं, ट्रेनें बंद हैं, तो ऐसे में जितने ऑटो थे उनको भी लॉकडाउन के लिए आदेश दिए गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो बात नहीं आ रहे हैं। जिला प्रशासन हालांकि उन तमाम लोगों के ऊपर नजर बनाए हुए हैं और ऐसे तमाम लोगों को समझाया जा रहा है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए घरों के अंदर कैद रहना कितना सुरक्षित है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी जो रोजमर्रा की जो आदतें हैं वो हालांकि थोड़ी सी देर में जरूर जाएंगी, लेकिन लोगों की आवाजाही जो है, हालांकि कुछ लोग इसमें वही हैं जो रोजमर्रा की जो खरीदारी है उसके लिए बाहर निकले थे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तमाशाई हैं, जो सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं कि लॉकडाउन आखिर होता किस तरह का है। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ भी जो रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पेट पालने के लिए घरों से निकलते थे, जिसमें मजदूर तबका जो है वो बहुत बड़ी तादाद में था, उन लोगों के लिए रोजगार का संकट जरूर है कि आखिर ये कमाएंगे नहीं कि तो खाएंगे फिर कैसे, ये लोग जो भी हैं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो सब जो है लॉकडाउन जरूर होता जा रहा है। जी बिल्कुल नीरज, ऐसे में क्योंकि 22 मार्च का ही जानकारी थी लोगों को और 31 मार्च तक के लिए ये कर्फ्यू रहेगा, धारा 144 लगी रहेगी, इसकी जानकारी लोगों को नहीं थी, तो किस तरीके का अब माहौल देखा जा रहा है क्योंकि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, जानकारी का अभाव है? देखिए बिल्कुल जानकारी का अभाव जरूर है, क्योंकि हर आदमी जो है वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता है, हर आदमी टीवी के साथ जुड़ा नहीं है, लेकिन हर आदमी एफएम के साथ जुड़ा है, हर आदमी किसी ना किसी मोबाइल के माध्यम से जुड़ा है, तो तमाम लोगों को ये पता होना चाहिए कि साइबर सिटी गुरुग्राम में किस कदर आपातकाल की स्थिति है। 8 केस हो चुके हैं पॉजिटिव और तकरीबन 150 से 200 लोगों के ब्लड सैंपल जो है वो विभिन्न लैबों के अंदर भेजे गए हैं, तो अपने आप में पूरे प्रदेश भर के अंदर दिल्ली एनसीआर के अंदर आपातकाल की स्थिति है साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर, लेकिन ये लोगों को समझना होगा और कहीं ना कहीं जब तक लोग अपने आप को घरों के अंदर कैद नहीं करेंगे स्थिति में बदलाव आने वाला नहीं है। देखिए अभी फेज 2 में है हम लोग और फेज 3 में ना जाएं, इसको लेकर ये लॉकडाउन की प्रक्रिया जो है वो अप्लाई जा रही है प्रदेश सरकार की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये बच्चे तक बाहर जो है घूम रहे हैं साइकिलों के ऊपर, तो ये अंदाजा लगा सकते हैं स्थिति की गंभीरता का कि आखिर किस कदर जो माँ बाप है वो भी बेपरवाह है इस खतरनाक महामारी से। कल जरूर जो है लोगों ने समर्थन किया था इस पूरे जनता कर्फ्यू का, लेकिन आज जो रोडों के ऊपर आवाजाही है वो कहीं ना कहीं हैरान और परेशान जरूर कर रही है कि आखिर आदेशों के बावजूद कैसी बेपरवाही है कि महामारी को रोकने की दिशा में हमें जो कदम उठाने चाहिए थे, हमें जो गंभीरता दिखानी चाहिए उसके अंदर कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो ऐसे आदेशों की अवहेलना, ऐसे आदेशों की हंसी उड़ाते जरूर देखे जा सकते हैं। देखिए पीछे अभी भी आपको जो है लोग दिखेंगे, आवाजाही लगातार जारी है, कुछ लोग खरीदारी जरूर कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग इसमें तमाशा ही नहीं है, तो तमाशा देखने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि साइबर सिटी में आखिर किस कदर का माहौल है। मैं आपको दिखाऊं, कैमरामैन को कहूंगा जो पीछे लोग खड़े हैं, देखिए उन लोगों के पास कोई काम नहीं है, काफी देर से वही लोग जमे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए कि 144 लागू है, 4 रोज इकट्ठे नहीं हो सकते हैं,
लेकिन इसके बावजूद साइबर सिटी में जिस कदर लापरवाही का आलम है, ये अपने आप में हैरान और परेशान कर उतर रहा है। ठीक, बिल्कुल नीरज, मैं यही आपसे पूछने वाली थी अभी कि जिस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं, व्हीकल्स लेकर निकल रहे हैं, ऐसे लोगों पर किसी तरीके की कार्रवाई की जा रही है, उन्हें रोका जा रहा है या फिर नहीं रोका जा रहा है? क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं गुरुग्राम की, लोग आसानी से सड़कों पर घूम रहे हैं। देखिए, धारा 144 लागू है जिला प्रशासन की तरफ से, जिला उपायुक्त वादे ने सख्त आदेश दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों के अंदर जो एक जानकारी का अभाव है, या यूं कहें बेपरवाही का जो आलम है, सातों से देख सकते हैं आप लोग। तमाम जो लोग हैं वो रोड के ऊपर निकले हैं साइबर सिटी का जायजा लेने के लिए, जबकि जिला प्रशासन ने ये तमाम आदेश जारी किए हैं कि महामारी बहुत खतरनाक स्तर के ऊपर है साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर, किसी तरह इसको स्टेज 2 से स्टेज 3 के अंदर ना जाए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गुरुग्राम पुलिस मौके पर तैनात है, लेकिन इसके बावजूद जो लोग तमाशाई बने हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई फर्क जो है वो पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। खदेड़ना होगा ऐसे लोगों को जो तमाशाई बने हैं, और इनको इनके घरों तक जरूर भेजना होगा, सख्ती जरूर दिखानी होगी थोड़ी बहुत, जिससे कि जो लोग हैं जो अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं, जो इस महामारी की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, जो ये नहीं समझ रहे हैं कि 150 से 200 लोगों के सैंपल, ब्लड सैंपल जो है वो रोहतक मेडिकल लैब के अंदर भेजे गए हैं, तो ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि 8 जो पॉजिटिव केस हैं वो साइबर सिटी गुड़गांव के अंदर दर्ज किए गए हैं, जो लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं का जो बुरा हाल है सरकारी अस्पतालों के अंदर, कैसे अगर ये महामारी बढ़ती है स्टेज 2 से स्टेज 3 के अंदर जाती है तो कितनी बड़ी खतरनाक स्थिति में गुड़गांव और दिल्ली NCR के इलाके पहुंच सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है। जी नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो जहां दिल्ली और फरीदाबाद जैसी जगह पर नाकों पर अगर कोई व्हीकल्स दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें वापस भेजा जा रहा है, लेकिन वहीं गुरुग्राम से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वहां लोग आसानी से सड़कों पर घूम रहे हैं लेकिन उन्हें कोई रोक नहीं रहा है, और ऐसे में लापरवाही पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है।